हेलो, गुड मॉर्निंग। देख सकते मेरे पीछे तो बैठे बैठे सो रहे थे। उठो उठो, टाइम हो गया, उठो उठो, टाइम हो गया, चलो सोने का टाइम नहीं। सोच रहा मैं यहाँ एक झगड़ा करने वाले। मैं यहाँ आज सोमवार है तो मंदिर जाके आए सब लोग। अभी मैं फिलहाल फ्रेश हुआ हूँ और अभी जा रहा हूँ गाड़ी का ऑयल चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। इंजन ऑयल चेंज करना है तो काम निपटाना है। तो गुड मॉर्निंग, और चैनल पर नया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो जरूर शेयर करना। लेवल चेक करता हूँ कितना है लेवल गाड़ी का। गाड़ी खोल चुका हूँ, देख सकते हो। लेवल चेक कर लेते हैं फिलहाल में। लेवल जितना दिखा रहा है उसके हिसाब से फिर ऑयल डालेंगे। इंजन क्लीन भी नहीं है फिलहाल में, तभी हम लेवल चेक करते हैं पहले गाड़ी का, क्योंकि ना ऑयल कम है मुझे मालूम है। लेवल चेक कर लेंगे ना तो क्या क्लियर हो जाएगा कितना ऑयल कम है, कितना लेवल फिलहाल में है। अरे देखो ये होता है AL और AH, ठीक है। लो अभी समझो पूरा डाउन है दम, तो मेरे गाड़ी में ऑयल ही नहीं है एक तरफ से। अभी देखो अभी फिलहाल पूरा देखो दिख नहीं रहा ना आपको। अभी दिखाते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे दिया रहता है सिस्टम में चेक करने का, थोड़ा भी सर नहीं आ रहा है। चलो तो 1 लीटर डाल देते हैं फिलहाल में। 1 लीटर डालेंगे ना, और डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये डाला जाता है इंजन ऑयल। मेरा इंजन ऑयल गाड़ी खा रहा है, चलता है ब्लॉक का काम वापस आ गया, तो ब्लॉक चेंज करेंगे फिर। 1 लीटर ऑयल है, अभी 1 लीटर ऑयल को डाल देता हूँ मैं फटाफट, क्योंकि ऑयल का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है। तो ये डाल देते हैं जिससे गाड़ी को स्मूथिंग मिलेगी, पिकअप मिलेगा और थोड़ा इंजन ब्लॉक होने से बचेगा। तो देखिए, देख सकते हो मैं 1 लीटर ऑयल डाल देता हूँ फिलहाल में, जरूरी है नहीं तो फिर मेरा क्या, मेरा ऑयल ज़्यादा खा रहा है इसकी वजह से। दो तीन दिन पे 1 लीटर ऑयल खा जा रहा है। मैंने 1 साल पहले चेंज किया था, अभी फिर लगता है मुझे चेंज करना पड़ेगा। कर देंगे, क्या करें, अभी समय जैसा है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ऑप्शन दूसरा नहीं है। साफ सफाई हो गया, पूरी तरह ऑयल डाल दिए। गाड़ी का लेवल जो है बढ़ चुका है, पहले लेवल कम था, अब लेवल जैसा बन हो के पैक कर दिए। फिलहाल में लेवल हाई पे आ चुका है, अब निकलते हैं फ्रेश होने के लिए फटाफट, क्योंकि लेट टाइम नहीं करना है, 7:30 होने वाला है। मैं हूँ फिलहाल में बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा राइस खाए शॉप पे हूँ। अभी राइस खाए फिलहाल में, गाड़ी अभी खाओ के रिलैक्स कर रहा हूँ। 5 मिनट रुकूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा बोईसर की ओर वापस, क्योंकि यहाँ पे मैं भाड़ा लेके आया था, भाड़ा ड्रॉप कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, काम कर रही है, ऑयल भी लेवल चेक कर मैं सुबह में देखा अपने ऑयल डाला मैंने, और घर से सीधा मैं भाड़ा लेके यहाँ पे आ गया। तो देखते हैं अभी फिलहाल, मैं शाम को ऑयल चेक करूँगा, मालूम पड़ेगा। तो खाना वाना मेरा पूरा हो चुका है, समय बज रहा है 12:30, खाना पूरा हो चुका है कम्प्लीट। अब हम अपनी जर्नी के लिए वापस निकल जाएंगे अपने रास्ते पे, देखते हैं। और मेरे गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मैनेज कर लेंगे। तो वीडियो पर अभी तक जुड़े हुए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो जिस लोकेशन में मैं भी फिलहाल में हूँ ना, यहाँ का व्यू जो है ना काफ़ी प्यारा है, खूबसूरत है, ठीक है। मैं खड़ा हूँ इस पहाड़ों के इलाके में, और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी का लेयर कट करके ना इस रास्ते को बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे देख पा रहा, दिखाता हूँ आपको, मैं हूँ फिलहाल में एक पहाड़ पे, देखो इतना लेयर को कट किया गया है, ये पूरा इलाका देखो। ये रास्ता सिर्फ गांव का, सिर्फ 4 घर को आने के लिए रास्ता है यहाँ पर। अरे सीन है, 4 घर को आने का रास्ता है, और ये पूरा कट किया गया है, पूरा का पूरा कट किया गया है, काफ़ी मेहनत लगा होगा। और ये अब हुआ है, इस पीढ़ी में हुआ है, ठीक है। कई पीढ़ी से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं हुआ था, लेकिन इस पीढ़ी में अभी हुआ है। मैंने पूछा तो बताया गया अभी अभी ये हुआ है। सोचो कि पहले कितना लोग चढ़ के घूम के फिर के लोग आते थे, विलेज की बात कुछ अलग है। फ्रंट कैमरे का व्यू दिखाता हूँ, ये डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ना सामने का डिस्टेंस, ये मिनिमम 5 से 6 मीटर का डिस्टेंस है नीचे ज़मीन से ऊपर तक। ये अभी अभी कट हुआ है, देख पा रहे हो, फ्रेश है पूरी तरह। और ये पूरा इलाका है इसे देख पर, देखो ना ये पूरा का पूरा कट हुआ है, अभी लास्ट तक पूरा कट हुआ है। चलो अच्छी बात है, गाँव वाले को सुविधा हो गया, बहुत बढ़िया है कि अब उनके घर तक गाड़ियाँ आ जाएगी। सब वही इंतज़ार करते हैं घर तक गाड़ी आ जाए, तो काफ़ी अच्छा है। बहुत दिनों के बाद ही मेडिसिन आया हूँ, कम से कम 3 से 4 महीने के बाद ही मेडिसिन आया हूँ, और जूस पी रहे हैं हम। इसको
नींबू शरबत ही बुलाता है और काफ़ी फेमस है। एक अचानक एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आया था। अभी फिलहाल में भारत गैस एजेंसी के पास में ही होना। मैं फिलहाल में मान डी मार्ट के जस्ट सामने हूँ। पीछे है डी मार्ट और फिलहाल में बोईसर में सबसे फेमस है डी मार्ट। कारण एक ही, क्योंकि सबसे सस्ता और इतना डिस्काउंट कोई भी नहीं देने वाला है, डी मार्ट के बराबरी कोई करने वाला भी नहीं है, इसलिए सबसे फेमस है डी मार्ट। अपने धन में यहाँ पे खड़ी है और अभी बगल में नील कमल शॉप का ओपनिंग हुआ है और यहाँ पे अच्छा है, नए नए ब्रांड आ रहे हैं बोईसर में, इसे नील कमल शॉप भी आ गया काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोईसर क्षेत्र में ना नए नए ब्रांड जो है ना ज़्यादा आ रहे हैं और मुझे आने वाले टाइम में लगता है कि और भरमार हो जाएगा, ब्रांड आएगा बोईसर में। इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, फिलहाल में डीमार्ट के पास इस वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो जरूर शेयर करना और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज के लिए इतने, ठीक है। हमारी धन में यहाँ पर सामने खड़ी है, प्यारा व्यू है। ये है हमारा चिल्लार बोईसर रोड है, यहाँ से चिल्लार मात्र 10 किलोमीटर है। अभी बस आ रही है, कल्याण बोईसर बस जा रही है, गवर्नमेंट बस है, कल्याण बोईसर गवर्नमेंट बस है। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और मुझे कमेंट करके बताओ कि हमें दुबई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।